ने बोला है, खाने को नहीं बोला। मारू मोड़ू शू जोया करे छे, दिखता नहीं है कि थक के आए हैं? जा जा के चाय लेकर आ। वैसे हाँ, एक खुशखबरी तो सुनती जा, तेरी जो होने वाली सासू माँ है ना, सुतली बॉम है, सुतली बॉम, घड़ी घड़ी फटते रहती है। शर्म छोकरी, अभी तक इधर ही खड़ी है, चाय मेरे रूम में लेकर आना। नहीं दीकरा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तू मामी की बातों का बिल्कुल बुरा मत मान। अरे तू तो बड़ी भाग्यशाली है बेटा, जो ऐसा सोने जैसा सासरा मिला। और तेरा वर तो समझ ले कोहिनूर हीरा है, हीरा। ये लो अहम बेटा, गोपी की फोटो देख लो। ना माना, मुझे किसी की फोटो नहीं देखनी, मुझे आप पर और आपके फैसले पर पूरा भरोसा है। मॉम, क्या हुआ, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं, बस इतना ही कि एक माँ हूं, इसी नाते डरती हूं कि कहीं तेरे लगन के बाद मेरे लिए तेरा प्रेम कम न हो जाए। मॉम, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं, क्योंकि आज अगर मैं जिंदगी में कुछ कर पाया हूं तो सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ, मेरे बाजू में साथ खड़े रहे। मॉम, आप मेरे लिए बहुत खास हो, इसलिए आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता। आखिर है तो कोकिला बेन की ही छोकरी ना, पर्स पर वैसी कौवे जैसी नजर पड़ी भी तो उसी की। इतनी सुंदर खिचड़ी पका के रखी थी कि उसी बहाने तू मोदी भवन घुस सके। मम्मी, अब जो भी हो, जैसे भी हो, मैं तो मोदी भवन जाके रहूंगी। मुझे उस घर में जाना है, समझना है और जिगर से भी मिलना है, और उस हेतल के अंदर की पिक्चर भी देखनी है। वैसे कोकिला बेन के सामने तो उसकी वो हालत हो रही थी जैसे बिल्ली के सामने चुहिया। बस तू हौसला रख, बद्दू बरोबर रीते पति जशे। मम्मी, बैठ, मैं तुझे एक तरकीब बताती हूँ। नहीं नहीं, मैं मोदी भवन नहीं जा सकती। समझने की कोशिश कर गोपी, ये तेरे होने वाले सासरे का मामला है, जरा सी भी भूल हो गई ना तो बात बिगड़ सकती है। अरे एक बार मम्मी के मुंह से क्या निकल गया कि गोपी बहुत अच्छा सीरा बनाती है, तब से उन्होंने अपनी बहू के हाथ का बना हुआ सीरा खाने की जिद पकड़ ली है। अब तू ही बता, सीरा भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं कि तू अपने हाथों से सीरा बनाकर उन तक पहुंचा? और तो और, उन्होंने तेरे लिए कितनी सारी मिठाइयाँ भेजी थी तो। हाँ, वो बात अलग है कि वो सास है इसलिए भेज सकती है, मगर तू भी तो बहू है ना, इसलिए तुझे खुद ले जाना चाहिए। लेकिन राशि बहन, लगन के पहले सासरे जाना तो कितना गलत है ना, उनको कितना बुरा लगेगा। नहीं,
बिल्कुल नहीं। अरे वो बहुत मॉडर्न और खुले दिमाग के लोग हैं। देख अगर तू खुद ले जाएगी ना तो वो और खुश होंगे कि उनकी होने वाली बहू खुद चलकर अपनी सास को शीरा खिलाने आ गई। नहीं नहीं मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। अच्छा ना तेरी ना मेरी, ऐसा करते हैं तू मेरे साथ चल, पहले पूरी बात सुन तो सही फिर बोलना, ठीक है? देख हम लड़की वाले हैं ना तो हमें तो ये रीति रिवाज सब मानने पड़ेंगे, इसीलिए मैं कह रही हूँ तू मेरे साथ मोदी भवन चल। अब तू बाहर रुक जाना, मैं अंदर जाके सीरा दे आऊंगी, ठीक है? ठीक है चल तैयार होते चल। जल्दी से अंदर होके आओ और आप ही शीरा देकर आओ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे गोपी देख तू इस घर की होने वाली बहू है और बहू अपने सासरे के बाहर से ही लौट जाए तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसमें तो इन लोगों का अपमान है। लेकिन राशि बहन मैं जानती हूँ कि दुल्हन को लगन के पहले सासरे। गोपी तूने तो आज हादी पार कर दी, तू ना तू गवार की गवार ही रहेगी। अब जमाना बदल गया है, लोग बदल गए और फिर ये तो बहुत बड़े लोग हैं। हाँ पर राशि बहन आपने भी तो कहा कि रीति रिवाज निभाने चाहिए और ये भी तो रीति रिवाज ही है। ठीक है देख अगर किसी ने पूछा तो मैं कहूंगी कि मैं तुझे यहाँ ले आई, ठीक है? अंदर आ जाए। हाँ आइए। आप लोग बैठिए मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे ये क्या कह रही है तू? अब तो हम घर में आ चुके और वो मणि वो तो अब सबको भुला के भी ले आती रहेगी। अब अगर हम नहीं मिलेंगे सबसे तो ठीक नहीं लगेगा ना। तू थोड़ी खुश लग, मुस्कुरा। हाँ